कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथ त्रिंशो अध्याय। यदुकुल का संहार। राजोवाच। ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम कृम करोद भगवान भूत भावनः। ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले आदवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत। प्रत्याक्रष्टुं नयनमम्बला यत्र लग्नं न शेकुः कर्णाविष्टं न सरति ततो यत सतामात्मलग्नम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब माँ भागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? भगवान जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गढ़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया? यच्छ्रीर्वाचाम जनयति रतिम केनुमानम कवीनाम दृष्ट्वा जिष्णोर्युधि रथगतम यच्यतस्साम्ययुः। ऋषिर्वाच दिवि भुव्यंतरिक्षे च महोत्पातान समोत्थितान दृष्ट्वासीनान सुधर्मायाम कृष्ण प्राहयदुनिदम् एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्याम यमकेतवः मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवः स्त्रियो बालाशुरदाश्च शङ्खोद्वारं व्रजन्तवतः वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक सरस्वती तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिता देवता पूजयिष्याम स्नपनालेपनार्हणे ब्रह्मणास्तु महाभागान कृत स्वस्त्ययना वयम् गोभूहिरण्यवासोभिर् गजाश्वरथ मे वेश्मभिः विधिरेश हरिष्टग्नो मंगलायन मुत्तमम देवद्विज गवां पूजा भूतेषु परमो भवः। इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विष यथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासम प्रययूरथे तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवः चक्रु परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपवृंहितं ततस्तस्मिन् महापानं पपूर्मेरेयकं मधु दिष्टविभ्रंशित धियो यदद्र वैर्भ्रश्यते मतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अवशगुन हो रहे हैं तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए।
स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौ की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी व्रत यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्णमायाविमूढानां संघर्ष सुमहानुभूत यो युधु क्रोधसंरब्धा वेलाया माततायिन धनुर्भिरसिभिर्भल्ले गदाभिस्तोमरष्टिभिः पतपताकै रथकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्र गोभीर महीर्षे नरेरपी मिथ समेत्याश्वरे सुदुर्मदा निहंछरे दद्भीरिव द्विपावने प्रद्युम्न सांबो युधि रूढ़ मत्सरा वक्रूर भोजाव निरुद्ध सात्यकी सुभद्रं ग्राम जितो सुदारुणो गदो सुमित्रा सुरथो समीयतु अन्ये चये वे निषठोल्मुकादय सहस्रजिच्छत जिद्भानुमुख्यः अन्योन्यमासाद्यमन्दान्धकारिता जघ्नोर्मुकुन्देन विमोहिता भृशं दाहार्षवृष्णन् यन्दकभोजसात्वता मध्वर्बुदा माथुर्शूरसेनः विसर्जना कुकुरा कुन्तयश्च मिथस्तस्येथ विसृज्य सौहृदं पुत्रायुध्यन पितृभिभ्रातभिश्च स्वस्त्रीय दोहित्र पितृव्यमातुले मित्राणि मित्रे सुहृद सुहृद्भिः ज्ञातिस्त्वहञ्जा ज्ञातय एव मूढा शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टि भीर्जहुरे रकहा। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मत वाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं लहरा रही थी, पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्राम जिससे, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सूरत से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इनके अतिरिक्त निषठ, उल्मुख, सहस्रजीत, शतजीत और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था।
इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। दाशार, वृष्णि, अंधक, बोझ, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुरत सुरत का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण खत्म हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एर का नाम की घास उखाड़ने शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। त्या वज्रकल्पा यह भवन परिघा मुष्टिनावृता जघ्नोर्द्विषस्ते कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते प्रत्यनीकमन्यमाना बलभद्रं च मोहिता हन्तु कृतधियो राजन्नापन्नाततायिन अथ तावपि संक्रुद्धा बुधम्य कुरु नंदन एरका मुष्टि परिघो चरन्तो जघ्नु तुर्युधि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोध क्षयं निन्ये वैष्णवोऽग्निर्यथावनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मे नैव शेषितः राम समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषं तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि राम निर्याणमालोक्य भगवान देवकी सुत निशस्साधरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् बिव्रचतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रवया स्वया दिशो वितिमिरा कुर्वन् विधूम इव पावकः श्रीवत्साङ्क घनश्यामं तप्ताटकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम्। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने पक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। गुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुद्गर के समान चोट करती थी, जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावनल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों की स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह शोभायमान था। विदेश में पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। सुंदर स्मित वक्त्राव्यम नीलकुंतल मंडितम पुंडरीकाभिरामाक्षम स्फुरन मनकर कुंडलम कटिसूत्र ब्रह्म सूत्र क्रीट कटकांगदय हानुरूपुर मुद्राभि कौस्तुभेन विराजितम वनमाला परीतांगम मूर्ति मद्भीर निजायुधे क्वत्वोरौ दक्षिणे पाद मासीनम पंकजारुणम मूसलावशेषाय कृतकं कृतेशुर्लुब्धकोजरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया चतुर्भुजं तपुरुषं दृष्टवास कृतकिल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयो सुरद्विषः
अजानता कृतमिदम पापेन मधुसूदन जन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोकमेनघ यस्यानुस्मरणं नृणाम ज्ञान ध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं प्रभो तन्माशुजै वैकुण्ठपाप्मानं मृगलुब्धकं यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्याम सदतिक्रमं यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरंचो रुद्रादयोऽस्य तनयां पतयो गिरां ये तन् त्वन्मायया पीतद्रष्टैः कीतस्य ते वयं सद्गतयो नणीम ग्रणीम। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, उंगलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वन माला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाण से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेत की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। श्री भगवान उवाच, मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ कामेश कृतो हि मे, याहि त्वं मदनुज्ञात स्वर्गसुकृतिनां पदम्। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिपरिक्रम्यतं नत्वा विमानेन दिवं ययो दारुक कृष्णपदवी मन्विच्छन्नधिगम्यताम् वायुम तुलसिका मोदमाघ्रायाभिमुखं ययो तं तत्र तिग्मधुभिरायुर्धैव्रतं ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिं स्नेहप्लूतात्मा निपातपादयो रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः अपश्यत स्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसी प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशाया मुडुपे प्रनष्टे। इति ब्रवूति सूते वैरथो गरुड़लाञ्छन खमुत्पात राजेन्द्र शाश्वध्वज उदीक्षत तमन वगच्छन दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातिनाम निधनम् इथ संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे जरे, तू डर मत, उठ
उठ, तूने तो यह मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारूप उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। यह देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वरस से कूद कर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभो, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः, मया त्यक्तां यदपुरीं समुद्र प्लावयिष्यति, स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरोचन, अर्जुनेनाविता सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ, त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः, मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्षयोपाधाय दुर्मना प्रयोपुरीम। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ उस द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम 11 स्कंदे 3 अध्याय संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।